आएगा सर, कब कार्यक्रम किया जाएगा, कितने बजे किया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा कार्यक्रम? हिंदी दिवस को लेकर हमेशा साहित्य सम्मेलन गवा रहा है। 14 सितंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है, और वो इसलिए मनाया जाता है कि इसी तारीख को, इसी तिथि को सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश के राजकाज की भाषा यानी कि राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को चुने जाने का निर्णय लिया था। यानी कि हिंदी देश के राजकाज की भाषा होगी, राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषाओं की सूची में अन्य कई नाम हैं, कई भाषाओं के नाम, देश की कई भाषाएं हैं, यहाँ तक कि नेपाल की भाषा, नेपाली भी भारत की राष्ट्रभाषाओं की सूची में है। लेकिन राजकाज की भाषा, देश के राजकाज की भाषा, राजकीय भाषा हिंदी बनाई गई, ऐसा निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया भारत की संविधान सभा द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। ये अलग बात है कि 14 सितंबर को यह निर्णय तो हुआ, किंतु इसी में अगले 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी साथ में रहेगी राजकाज की भाषा के रूप में। अंग्रेजी राजकाज की भाषा में बनी रह गई और आज तक बनी हुई, कहने के लिए हम लोग राजभाषा के रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में अभी भी हिंदी औपचारिक रूप से देश की राजकाज की भाषा नहीं बनी। फिर भी संपूर्ण भारत में उत्सव मनाया जाता है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भी हर वर्ष बहुत उत्साह के साथ ये उत्सव मनाता है। हम हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह मनाते रहे हैं। इस वर्ष भी 14 सितंबर 2019 को से हम लोग पुस्तक 14 मेला और हिंदी सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, जो 22 सितंबर को संपन्न होगा। तो ये जो पुस्तक 14 मेला लगाने का तात्पर्य और उद्देश्य है कि पुस्तकों के प्रति हम आम जन का, आम जन की रुचि बढ़े पुस्तकों की तरफ, ले वे पुस्तकें खरीद करके पढ़ें और इस भावना से पढ़ें, इस भावना से खरीदें 14 सितंबर के दिन अवश्य ही एक पुस्तक कम से कम, कि जिस प्रकार धन त्रयोदशी के दिन भारतीय परिवारों में कम से कम कुछ न कुछ धन का क्रय किया जाता है, इस भाव के साथ कि धन की श्री की वृद्धि होगी हमारे घर में, उसी भाव के साथ हम ये आह्वान करते आ रहे हैं। और इसीलिए 14 सितंबर को पुस्तक मेला लगाते भी हैं कि लोग इस भावना के साथ खरीदे पुस्तक कि उनके घर में विद्या की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और श्री की वृद्धि भी उसमें सम्मिलित है होगी। तो इसलिए इस मेला लगाते हैं हम, कई प्रकाशक उसमें भाग लेते हैं। इस वर्ष नेशनल बुक ट्रस्ट, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी आदि कई, और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रकाशन विभाग, सबका मेला लगेगा। और मैं आह्वान करता हूँ कि सभी उसमें आए और मेले का लाभ उठाएं, साहित्य की तथा अन्य पुस्तकें जो हिंदी में हैं, विज्ञान की भी, तकनीकी की भी, ये सब उपलब्ध होंगी, वे खरीदें। दूसरा कि हम ये सभी दिनों में, इस बीच में 14 से 22 के बीच में, विद्यार्थियों को साहित्य और भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक दिन कोई ना कोई प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। तो उनमें श्रुति लेख प्रतियोगिता, व्याख्यान प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता आदि कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं, और ये पुरस्कृत भी करते हैं। प्रथम पुरस्कार 1,000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार 700 रुपये का, और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये का सम्मान राशि के साथ भी हम पुरस्कृत करते हैं विद्यार्थियों को, और साथ में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं,
सभी विद्यार्थी जो भाग लेते हैं सभी को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र भी देते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों को हिंदी भाषा और साहित्य से जोड़ने की भी योजना साहित्य सम्मेलन के बराबर रही है और इस दिशा में हम प्रयास भी करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ विद्यार्थी उठाएंगे। 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इन सब प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। और इनके अतिरिक्त 21 तारीख को हम काव्य कार्यशाला का भी आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कविता कैसे करते, काव्य कर्म क्या है, कौशल क्या है, छंद क्या है, मात्राएं क्या है, आदि आदि जो कविता से संबंधित काव्य से संबंधित सूचनाएं हैं, जानकारी है, उनमें हम विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। तो इस काव्य कार्यशाला में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक उसमें भाग ले सकते हैं जो भी काव्य में रुचि रखते हैं। और उन्हें अधिकांश लोगों को मात्राओं का छंद का ज्ञान नहीं रहता है, जिसके कारण जो छंद की रचनाएं होनी चाहिए ये नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इस दिशा में थोड़ा सा प्रशिक्षण हो जाने से वे अच्छी रचनाएं कर सकते हैं। तो इसलिए ये काव्य कार्यशाला जो करने जा रहे हैं 21 तारीख को, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। और 22 को इसका समापन होगा, जिस दिन हम इन प्रतियोगिताओं में विजयी हुए विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे। और 14 हिंदी सेवियों को विशेष हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करेंगे। कौन कौन हिंदी से जुड़े हुए बड़े साहित्यकार के भी आने की उम्मीद है सर बाहर सके? इसमें कई लोग भाग लेंगे अलग अलग सत्रों में अलग अलग दिनों में। तो अभी नाम गिनाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, सभी बड़े साहित्यकार और जो बिहार के हैं वो सब इसमें जुड़े हुए रहते हैं, आते हैं सब। ठीक है सर।